कमलनाथ जी का वादा है कि कांग्रेस सरकार बनी तो 1 जनवरी 2024 को महिलाओं के खाते में आ जाएंगे 1500 रुपए। कांग्रेस को संकल्प को लेकर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा आज जनता के बीच ग्राम महुआ खेड़ा चैनपुरा पहुंचे और उन्होंने पीसीसी अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा को संबंध में लोगों की जानकारी दी। कांग्रेस की सरकार बनते ही पहले नारी सम्मान योजना के दस्तावेज में बतौर मुख्यमंत्री हस्ताक्षर करेंगे कमलनाथ। सुर्खी विधानसभा में प्रत्याशी कांग्रेस के नीरज शर्मा ने ग्राम घना से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ जी का वादा है कि कांग्रेस सरकार बनी तो 1 जनवरी 2024 को महिलाओं के खाते में आ जाएंगे 1500 रुपए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव में विशाल अंतर और जीत पाने के लिए सुर्खी के कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा का जनसंपर्क अभियान तेजी से बढ़ रहा है। शर्मा ने कहा कि क्षेत्र के लोगों का अपार स्नेह और समर्थन प्राप्त हो रहा है। गत दिवस पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐतिहासिक घोषणा मतदाताओं के करते हुए कांग्रेस की जीत सुनिश्चित कर दी है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने घोषणा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पहले नारी सम्मान योजना के दस्तावेज में बतौर मुख्यमंत्री हस्ताक्षर करेंगे कमलनाथ। 1 जनवरी 2024 को प्रदेश में महिलाओं के खाते में आ जाएंगे 1500 रुपए। इतना ही नहीं, महिलाओं को 500 रुपए में मिलने लगेगा घरेलू गैस सिलेंडर। और तो और, जिन महिलाओं की नारी सम्मान योजना के फॉर्म नहीं भरे गए उन्हें भी 1 जनवरी से नारी सम्मान योजना का फॉर्म भरवाएगी कांग्रेस सरकार। कमलनाथ जी का चुनाव समय यह घोषणा गेम चेंज बनकर भी उभर रही है। पीसीसी अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा के कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का नया संचार हुआ है। नीरज शर्मा के साथ आज गुड्डू राजा बुंदेला भी जनसंपर्क के साथ निकले। गुड्डू राजा ने बताया कि सुर्खी विधानसभा में लोगों ने यह जनचर्चा की कि हमारा वोट तो 35 करोड़ में बिक गया था। मतदाता ने यह टीस पूरे अंचल का रुख साफ कर देती है। वही कांग्रेस को संकल्प को लेकर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा आज जनता के बीच ग्राम महुआ खेड़ा चैनपुरा पहुंचे और उन्होंने पीसीसी अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा को संबंध में लोगों की जानकारी दी। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।